हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हो नल्ला गेमर। सो गाइस, मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर टिप्स एंड ट्रिक्स की। सो गाइस, ये वाली वीडियो मेरी होने वाली है बैक जंप शॉट के ऊपर। सो ये ट्रिक कुछ हद तक सिमिलर है आपके वन टैप शॉट की तरह। बस वन टैप शॉट में आप आगे की तरफ जंप करते हो, इसमें आपको पीछे की तरफ जंप करके शॉट मारना होगा। सो मेरे कोशिश रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख जाओगे तो आप कुछ हद तक समझ जाओगे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, इस ट्रिक को यूज़ कैसे करना है, या इस ट्रिक को कैसे यूज़ करना है, कहां पर यूज़ करना है, और इस ट्रिक को यूज़ करने के सारे तरीके आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, आप समझ जाओगे। इस ट्रिक को अगर आप सीखे तो आप इजीली कहीं पर भी किसी भी बंदे को आप हेडशॉट मार सकते हो। देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ऐसे आप इजीली आराम से आप किसी का भी हेडशॉट ले सकते हो। तो गाइस, वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर वन, हमारी इस ट्रिक की सेटिंग क्या है, हम क्या सेटिंग करें कि इस ट्रिक को हम यूज़ करें। सो सेटिंग के लिए सबसे पहले मैं सेटिंग में आपको बता देता हूँ, आपको अल्ट्रा रखना है और अल्ट्रा के अंदर आपको हाई FPS करना है। नॉर्मली हाई FPS विदाउट लैग चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका फ़ोन सुइटेबल है इसके लिए। तो अगर आपका फ़ोन ज़्यादा रैम का नहीं है तो आप स्मूथ प्रेफर करो, स्मूथ में भी बढ़िया चलता है, स्मूथ प्रेफर करना, स्मूथ में भी बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन बड़ा है तो मेरी मानो अल्ट्रा हाई FPS पर ही खेलना। और रही बात सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी हर फ़ोन की अलग अलग होती है, आपकी फ़ोन की जैसी सेंसिटिविटी है आप वैसे यूज़ करो। मैं तो ये वाली यूज़ करता हूँ, मेरा 8GB रैम फ़ोन है। और कंट्रोल की बात रही तो आपको ये एम प्रिसिशन में आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, आप प्रिसाइज भी कर सकते हो, प्रिसाइज में भी बढ़िया चलते हैं, लेकिन फुल कंट्रोल में ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी काम। सो चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, नंबर टू। सो दूसरा स्टेप है हमारा स्टार्ट ट्रेनिंग। जी हाँ गाइस, जब तक हम किसी भी चीज़ को ट्रेनिंग में यूज़ नहीं कर पाएंगे, ट्रेनिंग में परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, तब तक हम उस ट्रिक को रैंक मैच या क्लास स्क्वाड रैंक मैच कहीं पर भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेनिंग मोड में आ जाना है। ट्रेनिंग मोड में आने के बाद आप चले जाओ एक बार लॉबी की तरफ। सो अब मैं आपको बताता हूँ नंबर थर्ड में आपको बताऊँगा कि कौन सी गन इस ट्रिक के लिए सबसे बेस्ट है। सो इस वाली ट्रिक के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट गन है M1887, सबसे बेस्ट, क्योंकि मिड रेंज में इसकी रेंज भी ठीक है, डैमेज भी ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इसकी स्किन है तो और बढ़िया है, अगर स्किन है तो उसमें रेंज माइनस रहेगी, लेकिन अगर स्किन नहीं है तो रेंज सही है लेकिन डैमेज कम है, तो दोनों में बराबर है। तो चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ गाइस। तो नंबर फोर, अपनी मेन ट्रिक की तरफ हम चलते हैं, हाउ टू यूज़ दिस ट्रिक, इस ट्रिक को यूज़ कैसे करना है मेन गेम के अंदर। इस वीडियो में देखो, आपको सबसे पहले आपका जो क्रॉस ईयर है इसको एनिमी के सबसे पास से पास ले जाना है, पूरी कोशिश करनी है कि ये जो आपका क्रॉस ईयर है ये एनिमी के एकदम पास आ जाए। देख सकते हो, अपने क्रॉस ईयर को एकदम उसके पास लेना है, और जैसे ही पास ले जाना है वैसे ही जंप बैक बटन, ये अपना मूवमेंट बटन से बैक होना है, और जंप बटन दोनों को एक साथ क्लिक करना है, और तभी आपको ड्रैग करना है राइट फायर बटन को। जैसे ही आप इस सब को करोगे तो बैम, ऐसे आपको कुछ हेडशॉट देखने को मिलेगा। सो नंबर फाइव, मैं आपको इस स्टेप का बताता हूँ, आपको इस यूज़ को कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। तो गाइस, इस ट्रिक को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली रैंक मैच में इसे यूज़ कर सकते हो, क्लासिक मैच में यूज़ कर सकते हो, क्लैश स्क्वाड रैंक मैच में आप यूज़ कर सकते हो इस ट्रिक को। इस ट्रिक को मैंने आपको जैसे बताया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मूवमेंट बटन से बैक होना है, जंप बटन को क्लिक करना है, जैसे ही आप इन दोनों को क्लिक करोगे आप थोड़ा सा बैक आओगे, वैसे ही आपको ड्रैग कर देना राइट फायर बटन को। देखो, जितनी भी बार मैं करता हूँ ऐसा, तो मेरा जो है डायरेक्ट एनिमी को हेड ही लगता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि पीछे ही जंप क्यों लेना है, सामने क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम पीछे की तरफ थोड़ा सा जंप लेते हैं तो हमारा जो रेंज है ना, एकदम परफेक्ट रेंज आती है, और एकदम एंगल एकदम परफेक्ट बनता है, जिस एंगल पर हम ड्रैग करते हैं तो सीधा हेड शॉट ही लगता है एनिमी को, क्योंकि ड्रैग करने के लिए थोड़ा सा हमारा जो कर्सर है
वो कम से कम चेस्ट लेवल तक होना चाहिए। जंप की वजह से वो चेस्ट लेवल के जितना हो जाता है, और ड्रैग करते हैं तो सीधा हेड पे लॉक हो जाता है उसका एम। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो आप समझ ही गए होगी आपको क्या करना है। आपको अपना जो कर्सर है वो एनिमी के पास रखना है, पीछे की तरफ जंप लेना है और सामने की तरफ बंदे को ड्रैग कर देना है हेडशॉट सीधा फायर ड्रैग फायर बटन से। चलो एक बार समराइज कर लेते हैं हमने इस ट्रिक के अंदर क्या सीखा। फर्स्ट हमें इसकी सेटिंग एकदम अपनी क्लियर रखनी पड़ेगी हाई एफपीएस पे, जो मैंने आपको बता दिया। सेकंड हमारी ट्रिक है कि हमें ट्रेन करना होगा, ट्रेनिंग मोड लगाकर उसके अंदर इस ट्रिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड हमारा है कौन सी गन हमें प्रेफर होगी, तो M1887 ये भी मैंने आपको बता दिया। और फोर्थ किस ट्रिक को आपको कैसे यूज़ करना है, ट्रिक को यूज़ नॉर्मली करना है, आपको अपना एम कर्सर एनिमी की तरफ रखना है, बैक थोड़ा थोड़ा बैक करके जंप लेना है और राइट फायर बटन से आपको सीधा ट्रैक कर देना है। और बाकी आपका फिफ्थ इस यूज़ को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, तो सिंपल है, आपको रैंक मोड क्लास कोड इसको सब में यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं भी चांस मिल सकता है इसको यूज़ करने का। सो गाइज़ अगर वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है आपने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इस ट्रिक को आपने भी यूज़ करना हो या यूज़ करके आपको बढ़िया लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ये टिप और ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इस टिप्स एंड ट्रिक को बनाने के लिए, मतलब बहुत सारा एडिटिंग वगैरह बहुत कुछ बहुत ढूंढा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा या फिर कहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग, सब्सक्राइब कर जरूर कर देना। हम डेली 6 बजे शाम को लाइव करते हैं, आज मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, फिर से मिलते हैं अगली टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में। बहुत दिन के बाद मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डाली थी, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।